नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त गुजरात, जहां इस वक्त विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से पीएम मोदी संवाद कर रहे हैं। देखिए, मैं एक तो आपके इस क्षेत्र के किसान भाई बहनों को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं, क्योंकि सबने मिलकर के 100 साल से भी ज्यादा इतने बड़े काम को चलाया है। तो आपके जब 100 साल हुए तो इसको बड़ा उत्सव मनाया था कि नहीं मनाया था? छोटा उत्सव मनाया सर, आपकी सरकार आई हुआ सर, जरा अच्छा ये मिला सर। हाँ, आपकी सरकार आई हुआ सर, सोसाइटी को अच्छा फंड्स मिले, नाबार्ड कुदन से गोडाउंस मिले, क्योंकि देश में लोगों को पता चलना चाहिए कि कुछ किसान इतने जागरूक हैं कि 100 साल से ये कोऑपरेटिव मूवमेंट चला रहे हैं। अच्छा मोहिदीन गारू, आपको एग्री इंफ्रा फंड की जानकारी कैसे मिली? इस स्कीम से आप लोगों को कैसे लाभ पहुंचा रहे हैं? सर, हमको इसकी जानकारी आपको कोऑपरेटिव बैंक हमारे डीसीसीबी कुदन से और कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार कुदन से मिली सर। उनकी बहुत हेल्प करे सर इसमें, वही हमको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे 3 करोड़ आने के लिए वही खुशी करे सर, बहुत खुशी करे। इससे ये 3 करोड़ से हमें किसान भाई ज्यादा से ज्यादा अपनी फसल कम दामों में बेच रही सर। क्यों बोल तो छोटे किसान भाई अपनी फसल को घर में रख ले सकते नहीं सर, एंड देन आपको छोटे किसान भाइयों को फसल बेचने पासा दो में फसल डालने के लिए पैसे चाहिए सर, इसलिए किसान भाई अपनी फसल को दाम नहीं खोते तो बेच देती है सर। ये सोचकर हमारी समस्ता ने हमें क्या किया बोलते, ये 5 गोदाम बनाने के निर्णय लिए सर। हमारी समस्या के नीचे 5 गांव आएंगे सर, 5 गांव में 5 गोदाम बनाए सर, इससे हर किसान भाई इससे लाभ उठा सकता है सर। अच्छा मोहिदीन गारू, अब ये बताइए कि पिछले 10 साल में, क्योंकि ये तो 100 साल पुरानी संस्था है आपकी, 10 साल में किस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में से आपके और किसानों के जीवन में बदलाव आया? सर 10 सालों में हमें सीएससी सेंटर भी चला रही है सर, हमें सीएससी सेंटर चला रही है, किसान समृद्धि केंद्र भी चला रही है सर, किसान भाइयों को खाद दे रही है, पेस्टिसाइड दे रही है सर, सीड भी दे रही है। नाबार्ड कुदन से हमें मल्टी सर्विस सेंटर के नीचे लोन लेके किसान भाइयों को पानी रखने के लिए लिंक पाइप रेंटुक देते सर, डेली वेज रेंटुक देते सर। इससे जब पानी नहीं रहेगा, जब किसान भाई ये पाइप यूज करके पानी रख सकते सर। बाद में हमें किसान भाइयों को किसान क्रेडिट कार्ड भी देते सर, क्रॉप लोन्स देते किसान भाइयों को, शीप डायरी दूध के लिए, बाद में पोल्ट्री देते सर, ये लोन्स पूरे देते। लैंड डेवलपमेंट लोन्स भी देते सर किसान भाइयों को, ट्रैक्टर वगैरह लोन्स पूरे किसान भाइयों को हमें देते सर। हमारे किसान भाइयों को जो चाहिए, ये अनाज आए हुआ सा बारिश पड़ते टाइम पे अनाज भीगे रहे, इसका टारपालिंस भी बेचे सर हमारे। अच्छा मोहिदीन गारू, अभी जो हमने एफपीओ की योजना चला रहे हैं, तो आपके इलाके में एफपीओ का कोई काम चलता है? चलता है सर, किसान एफपीओ कर रहे, दूसरे एफपीओ को चल रहा है सर। अच्छा, और उसमें वैल्यू एडिशन करने का काम, प्रोसेस करने का काम, पैकेजिंग का काम, ब्रांडिंग का काम, ये सब हो रहा है? हो रहा है सर, हमारे सोसाइटी में भी प्रोसेसिंग चल रही है सर। हमें हमारे सोसाइटी की तरफ से भी किसान भाइयों के अनाज को हमें प्रोसेस करके डायरेक्ट सेलिंग टू द कस्टमर बेच रही है सर, डायरेक्ट टू कस्टमर सेलिंग टू द कस्टमर बेच रही है। अच्छा, अभी जो देश में नेचुरल फार्मिंग का जोर बढ़ रहा है, प्राकृतिक खेती का, कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालना, क्या आपकी तरफ उस दिशा में आपके सब मेंबर में वो बात पहुंचती है, करते हैं कोई? करते हैं सर, हमारे इसमें हमें हमारे किसान समृद्धि योजना में नैनो यूरिया बेच रही है सर, नैनो डीएपी बेच रही, नैनो यूरिया जो किसान लेगा उनको इफको के तरफ से हमें फ्री ड्रोन्स भी करा रही सर, फ्री स्प्रेइंग करा रही जो लेकिन किसान नैनो में बहुत दिन एक बड़ी मुसीबत आई है। मैंने देखा है कि लोगों का स्वभाव है कि
चाय में चीनी डाली हुई है, मीठी चाय है, फिर भी 2 चम्मच चीनी डाल देते हैं, तो ये किसान पहले जितने बोरे फर्टिलाइजर डालता था वो तो बंद करता नहीं है, और ऊपर से फिर नैनो फर्टिलाइजर डाल रहा है, तो ये तो धरती माता का यानी मौत भूल जाएगा। 2 में से 1 ही उपयोग करना चाहिए, या तो आप नैनो लेना चाहते हैं तो फिर पुराना जितना वो बंद करना पड़ेगा, वरना तो जमीन बहुत बर्बाद हो जाएगी। या तो नैनो का उपयोग करिए या तो आप जो पहले वाले फर्टिलाइजर, तो ये लोगों को समझ आ रहा है? सर महीना महीना हमारे पास मीटिंग सकते सर, इफको इफको की तरफ से, बाद में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से मीटिंग रखो, हमें हर किसान भाई को जागरूक कर रही है सर, अभी चल रहा है भी, एंड देन किसान भाइयों को हमें साइल टेस्टिंग कराते सर, एवरी मंथ अप्रैल में जून में साइल टेस्टिंग कराते सर, हेल्थ कार्ड देते सर उनको, उसके बहुत से किसान नियर ऑफ एक हमें 1000 to 1500 नंबर्स को कन्वर्ट कराए सर, बहुत कम चल रहा है सर। लेकिन ये बात आपके इलाके के सभी किसानों से मैं प्रार्थना करता हूँ, और देश भर के किसान जो मुझे सुन रहे हैं उन सबको मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मेहरबानी करके दोनों मत डालिए, और हो सके अगर नैनो मिल जाता है तो नैनो से ही चला लीजिए। वो पहले एक बोरा भरा फर्टिलाइजर डालते थे, एक छोटी बोतल का नैनो अब काम कर देता है, ये बहुत बड़ा काम हुआ है हमारे देश में, और हमारे किसानों ने उसका फायदा लेना चाहिए। लेकिन डबल कर दिया तो फिर ये हमारी धरती माता, उसका सांस बचेगा ही नहीं, हमारा कोई काम की नहीं रहेगी माँ, ये माता से हमें कुछ नहीं मिलेगा बाद में। अच्छा मोहिद्दीन जी, जब सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना से काम करती है, तो आप देख रहे हैं कि कैसे योजनाएं आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती हैं, गरीब से गरीब तक पहुंचती हैं, खेत खलिहान तक पहुंचती हैं, और सबको लाभ होता है। और मेरी तो कोशिश है कि चलो इसमें भी कोई रह गया है तो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी भगाओ भाई, जहां भी है लोगों के पास जाओ, और मैं सबके सरकार के लोगों को गांव गांव भेज रहा हूं, इसी के तहत ये विकास यात्रा वाली गाड़ी आपके पास पहुंची है। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने एग्री इंफा फंड के माध्यम से इतना बड़ा काम किया है, ये न सिर्फ पैक्स की आर्थिक क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि किसानों का भी लाभ पहुंचाएगा। हमारी सरकार पैक्स के लिए, विकास के लिए हर संभव कार्य कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा पूरे कोऑपरेटिव क्षेत्र को बल देने के लिए हमने बिल्कुल कोऑपरेटिव का नया मंत्रालय बनाया, नई नीतियां बनाई, और पैक्स के द्वारा अब जगह जगह नई स्टोरेज फैसिलिटी भी तैयार करने का काम शुरू किया है। 2 लाख भंडारण गोडाउन स्टोरेज कैपेसिटी बनाने का सोचा है मैंने। चलिए मुझे अच्छा लगा आपके साथ, माताएं बहनें भी बहुत बैठी हैं, उनको भी मेरा प्रणाम, मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। अब आओ देखते हैं कौन है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास, कहां से जुड़ रहे हैं। अब मिजोरम के आइजोल चलते हैं, उनको जहां से रुआया रावते जी जुड़े हुए हैं। धन्यवाद सर। रुआया जी कैसे हैं? अच्छा है। नाम डियर फ्लोरा के हाइडल डिस्ट्रिक्ट दूरदान से बैठा है। अच्छा सुहा जी, मुझे बताया गया कि आप तो बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो किस किस चीज की खेती करते हैं आप? ऑर्गेनिक फार्मिंग चीन चीन तो से दुआ वो ना चीन चीन जो छोटी के चाहते उसी के प्रोग्राम पे। तो विकसित यात्रा संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से मुलाकात करते हुए पीएम, और इस बीच देखिए न्यूज इंडिया आपको एक बड़ी खबर बता दे, एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है। जी हाँ,
राम मंदिर की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे हैं। भव्य राम मंदिर की ये नई तस्वीर जरा देखिए, इन तस्वीरों को जरा देख के देखिए किस तरीके से खूबसूरत लगेगा मंदिर। ये तस्वीरें जरा आप नजर दौड़ाइए, नक्काशियों तक पर यहाँ LED लगाई गई है, व्यवस्था की गई है कि हर एक नक्काशी को खूबसूरती से उकेरा हुआ दिखाया गया है। तो न्यूज इंडिया पर राम मंदिर की ये भव्य एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, जैसे जैसे 22 जनवरी नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे राम मंदिर और भी खूबसूरत होता जा रहा है, उसकी भव्यता देखते ही बन रही है। न्यूज इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है, गलियारे की तस्वीर जरा देखिए, हर एक जगह पर LED लगाई गई है, देखिए कितना भव्य यहाँ पर सजाया गया राम मंदिर को। इसी के साथ साथ देखिए अभी प्रथम तरल यूं कह सकते हैं कि देखिए नक्काशी देखिए और नक्काशियों के आसपास आप नजर दौड़ाएंगे तो यहाँ पर लाइट्स लगाई गई है, फोकस लाइट्स लगाई गई है जो इस बात की तस्दीक करती है कि और जो उसकी खूबसूरती है किस तरीके से चार चांद लगे हुए। देखिए भव्यता देखिए, ये देखिए किस तरीके से भव्य है ये गरुण जो कि भगवान राम का ही बताया जाता है, प्रतीक होता है। उसी के साथ साथ इसी के जहन में आप देखिए, ये देखिए नक्काशी और नक्काशी के आसपास ये फोकस लाइटें यहाँ पर लगाई गई हैं जो कि इसकी भव्यता को और दर्शाएंगी और खूबसूरत करेंगी, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि गरुण वाहक कहा जाता है भगवान विष्णु का और भव्यता यहाँ पर दिखाई गई है विष्णु गरुण के माध्यम से। तो तमाम तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे कि जो मंदिर की भव्यता है वो क्या है, इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। गलियारे की तस्वीर देखिए, हम वो वापस तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, देखिए एक एक तस्वीर जैसे जैसे 22 जनवरी नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे मंदिर की जो भव्यता है वो नज़र आती जा रही है, नए कलेवर में आपको नज़र आएगा, नया नवेला मंदिर है, करोड़ों करोड़ों की आस्था जुड़ी हुई है इस मंदिर से। 5000 यूं कहे कि 550 साल के बाद ये इंतजार खत्म हो रहा है और इस मंदिर की भव्यता अब देखते ही बन रही है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे, इंडिया गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर जारी है, कांग्रेस और आपके नेताओं के बीच में ये बैठक होनी है, बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर INDIA गठबंधन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर अब चल पड़ा है, यानी कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी, किस पार्टी को इंडिया गठबंधन के तहत सीटें मिलेंगी उस पर विचार विमर्श किया जाना है। तो बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा विचार विमर्श, तो INDIA गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर जारी है, तो फिलहाल ये बड़ी खबर जिसमें बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा की जाएगी। तो INDIA गठबंधन से जुड़ी हुई बड़ी खबर है जिसमें बैठकों का दौर लगातार जारी, सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर जारी है। और देखिए अब चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव के नजदीक होते ही तमाम तैयारियां शुरू हो गई हैं, तमाम जो गठबंधन के दल हैं पहले अपने अपने भीतर चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, चाहे बात हम समाजवादी पार्टी की कर लें, अखिलेश यादव की कर लें, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं की कर लें। इतना बड़ा जब ये गठबंधन बनता है और गठबंधन बनना कोई मामूली बात नहीं होती, बहुत बड़ी चुनौती होती है, सबको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है तब जाकर गठबंधन बनता है, सबको त्याग करना पड़ता है। और कांग्रेस ने एक पहल कर दी है आगे आकर के, सबको आह्वान करके अच्छा मैसेज गया है देश भर के अंदर और वो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे कई प्रॉब्लम आएगी हमारे सामने भी आएगी, उन पार्टियों के सामने आएगी, क्योंकि पार्टियों के साथ में वहाँ के जो नेता होते हैं कार्यकर्ता होते हैं वो भी कन्विंस होने चाहिए, तभी तो गठबंधन का फायदा मिलेगा। तो फिलहाल देखिए अशोक गहलोत भी कहते नजर आए थे, राजस्थान के पूर्व CM, जिन्होंने कहा कि कमी कहीं नहीं छोड़ी जाएगी, सभी को संतुष्ट किया जाएगा और कोशिश यही रहेगी कि कोई भी असंतोष में महसूस ना करे। फिलहाल ये सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर, ये तस्वीरें सामने, और इसी के साथ साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के बीच विचार विमर्श।
क्या इसमें अलायंस बनता है, अब क्या डिटेल्स होंगे ये तो बाद में ही पता चलेगा कि हम लोग पहली चीज अलायंस होगा, होगा तो कितनी सीटों पे कौन लड़ेगा और फिर कौन कौन सी सीटें होंगी। मेरी केवल ये आशा है कि अगर अलायंस होता है तो उसके जो डिटेल्स हैं वो जितनी जल्दी हो सके तय हो जाए, क्योंकि फिर हम लोग भी जो इलाकों में कांग्रेस लड़ेगी अगर अलायंस होता तो हम लोग अपनी तैयारी पूरी कर सकें, क्षेत्रीय दल पर हम लोगों को हमारे जो भी नेतृत्व होगा वो आम आदमी पार्टी से मिले, वो हमारे लोगों से मिले, तो एक अच्छी सेना बनकर हम ये युद्ध लड़ सकें दिल्ली में। निश्चित रूप से सारे पार्टनर सीरियस है और दी ओनली थिंग इज कि जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहेगा, बाकी सही दिशा में जा रहा है मुझे लग रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के जहाँ जहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशनल और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उन सभी इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल स्टेट्स को लेकर बैठेंगे। कल की पहली बैठक थी एक बहुत ही अच्छे वातावरण में, ये तय हुआ कि कैंडिडेट किसी भी दल का हो वो इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट होगा। ये अपने आप में एक जो ओनरशिप है, जो साझा जिसको कहते हैं कि ओन करना, चाहे वो कांग्रेस के लोग लड़ रहे हों, जदयू के, हमारे लोग लड़ रहे हों, तो उस दृष्टिकोण से कुछ प्रगति हुई है। और सीधी सी बात है कि आने वाले दिनों में शीर्ष नेतृत्व तमाम दलों का बैठेगा और रिजॉल्व कर लेगा। कांग्रेस रूल्ड स्टेट में या कांग्रेस जहां बड़ी पार्टियों में सब कुछ ठीक है, किसी के साथ कोई सीट शेयरिंग नहीं है, लेकिन जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं या जहाँ उनकी ताकत ज़्यादा है, वहाँ अनुपात के से अधिक सीटें मांगना कांग्रेस पार्टी का अव्यवहारिक काम। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, हुआ कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे। वेलकम बैक। इंडिया गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर जारी है, कांग्रेस और आप नेताओं के बीच बैठक हो रही है, बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा होनी है। देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, कंचन हमारे संवाददाता लगातार बनी हुई है, नजर बनाई हुई है। कंचन, बैठक शुरू हो चुकी है फिलहाल, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए हम अभी नेशनल अलायंस कमेटी के कन्वीनर मुकुल वासनी के घर के आवास पर स्थित है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज, संदीप पाठक और आतिशी मौजूद है और कांग्रेस दिल्ली अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली यहाँ मौजूद है। बैठक अंदर जारी है, आज ऐसा माना जा रहा है कि पंजाब से कोई भी कांग्रेस का अध्यक्ष शामिल नहीं हुआ है, तो केवल दिल्ली का हुआ है, तो ये बैठक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पर सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी इस बैठक के अंतर्गत। और बैठक अभी अंदर जारी है, अभी कुछ ही समय पहले बैठक शुरू हुई है। देखिए दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें आती हैं और इनमें से अभी एक भी ना कांग्रेस के पास और आम आदमी के पार्टी के पास एक भी नहीं है, किंतु ऐसी चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में कम से कम 2 से लेकर 3 तक सीटों की कांग्रेस से मांग कर सकती है। उसी पूरे चुनावी रणनीति को लेकर अंदर मंथन किया जा रहा है। हालांकि इस प्रकार की भी चर्चा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब, गोवा, गुजरात में कल ही आम आदमी पार्टी ने अपने एक नाम घोषित किया है और उसी लेके 5 राज्यों को लेके आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से बात रख सकती है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ आज दिल्ली को लेकर ये बातचीत कर रही है। चलिए अभी फोकस दिल्ली पे होगा, इसके बाद बैठकों में सामंजस्य बन जाए और इसी के साथ का सीट बंटवारे पर फोकस प्रॉपर किया जाए, इसी पर चर्चा विचार विमर्श। बहुत शुक्रिया कंचन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इधर राजस्थान में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, कानपुर से कांग्रेस की बड़ी जीत हो गई है, कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह चुनाव हार गए हैं, कांग्रेस उम्मीदवार रुपिंदर सिंह की जीत हुई है, 12,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं रुपिंदर सिंह। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका जिसमें करणपुर से कांग्रेस की बड़ी और खास जीत, इस जीत के काफी मायने, कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह चुनाव हार गए हैं, तो कांग्रेस उम्मीदवार रुपिंदर सिंह की जीत हुई है। राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका है जिसमें करणपुर सीट से कांग्रेस की भारी जीत हुई। इसी बीच आपको बता दें अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है जिसपे बीजेपी की करारी हार को लेकर शुभकामना निशाना साधा गया, रुपिंदर सिंह को हार्दिक शुभकामनाएं, जीत ये जीत स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुंडर के जनसेवा कार्यों को समर्पित, श्री करणपुर कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अभिमान को हराया है, चुनाव के बीच प्रत्याशी की को मंत्री बनाकर
आचार संहिता का उल्लंघन भी किया गया। देखिए तमाम बातें जो हैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखी। 12,000 वोट से सीट जीत गई है, इस जीत ने कई संदेश दे दिए हैं। ये कोई खाली उपचुनाव नहीं रहा, बल्कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और घमंड है और जिस प्रकार उन्होंने नैतिकता को तो तिलांजलि दे रखी है, चुनाव चल रहा है, एक प्रत्याशी को मंत्रिपरिषद की शपथ दिला रहे हो, इलेक्शन कमीशन में शिकायत की गई कोई असर नहीं हुआ, तो करार तमाचा लगाया है जनता ने, वहां की कर्णपुरी जनता ने करार तमाचा लगाया है, चुनाव चल रहा है और आप अपने उम्मीदवार को मंत्री पद बना रहे हो। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे हम कुछ और खास खबरों के साथ।